बैतूल नेशनल हाईवे की बदहाली के खिलाफ युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़कों के गड्ढे में माल्यार्पण करके श्रीफल भेंट करते हुए युवाओं ने गड्ढे में बैठकर सड़कों को बनवाने की प्रार्थना की। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर हुए जानलेवा गड्ढों के विरोध में नगर के युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता रवि वर्मा की अगुवाई में मंडी गेट से विरोध प्रदर्शन करते हुए बजरंग मंदिर के सामने गड्ढों में बैठकर फूलमाला चढ़ाकर श्रीफल भेंट करते हुए सड़क बनवाने की प्रार्थना की। सामाजिक कार्यकर्ता रवि वर्मा ने बताया कि हाईवे पर वाहनों से चल रहे लोगों की जान को खतरा ना हो, इसलिए गड्ढों में पेश वर्ग के नाम पर बिना मापदंड के ही बड़े बड़े गिट्टी वाले पत्थर लाकर डाल दिए जाते हैं। इससे दोपहिया वाहन चालक लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। रवि वर्मा ने कहा कि शासन प्रशासन से मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के जानलेवा गड्ढों को तुरंत भरवाया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। हम सब भली बात ही जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 59 है और वर्तमान में 4 लाइन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाले बड़े वाहन छोटे वाहन बारिश के मौसम में लगातार इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग के अधिकारी महाप्रबंधक जो भी है जहाँ इनको जिम्मेदारी दी गई है वो ध्यान नहीं देते, समय से पेचवर्क नहीं हो पाता है। हमारे खातेगांव नगर के फरवरी माह में एक ही परिवार के तीन सदस्य इस दुर्घटना में मृत हो गए थे। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमारा सिर्फ विरोध इतना सा है कि जो चीज़ की जिम्मेदारी सरकार की है, विभाग की है, प्रशासन की है, उस जिम्मेदारी को उनको ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। हम हाथ से रोक नहीं सकते हैं, हम दुर्घटना रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो सावधानी बरत के हम इसका बचाव जरूर कर सकते हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार और अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।